मंडी में 8,000 रुपये प्रति क्विंटल होने वाला है कॉटन का दाम। उत्पादन में कमी से बड़ी उम्मीद। महाराष्ट्र में काफी समय बाद अब धीरे धीरे कपास की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य के अकोला मंडी में लोकल कॉटन का अधिकतम दाम 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचने वाला है। अधिकतर मंडियों में इस समय कपास का दाम 7,000 से लेकर 7,800 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, लेकिन अकोला में 7,900 रुपये का दाम पहुंच गया है। ऐसे में अब किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कपास का भाव उन्हें 10,000 रुपये तक मिल सकता है। राज्य के ज्यादातर मंडियों में कॉटन का दाम अब MSP से ऊपर हो गया है, जिससे किसानों को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने लंबे रेशे वाले कॉटन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,020 रुपये जबकि मध्यम रेशे वाली MIP केंद्र सरकार ने लंबे रेशे वाले कॉटन का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 7,020 रुपये जबकि मध्यम रेशे वाले की MSP 6,620 रुपये प्रति क्विंटल तय की हुई है, लेकिन कुछ दिनों से दाम कम मिल रहा था। जब यह पता चला कि इस साल उत्पादन कम हो गया है तब दाम बढ़ना शुरू हो गया। महाराष्ट्र देश का प्रमुख कॉटन उत्पादक प्रदेश है, इसीलिए यहाँ के किसानों को इसका दाम बढ़ने का बेसब्री से इंतजार था। काफी समय से किसान अच्छे दाम का इंतजार भी कर रहे थे। सही दाम ना मिलने की वजह से किसान अपने घरों पर कपास को स्टोर कर रहे थे। पिछले साल किसानों को कॉटन का उचित भाव नहीं मिलने से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसके चलते इस साल कई किसानों ने इसकी खेती नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन अब दाम में थोड़ा सुधार होने की वजह से उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं। महाराष्ट्र देश का प्रमुख कॉटन उत्पादक है, इसीलिए यहाँ के लाखों किसानों का घर इसी खेती से चलता है। इसीलिए किसान चाहते हैं कि उन्हें कम से कम कॉटन का MSP या उससे अधिक दाम मिलता रहे। केंद्र सरकार के अनुसार साल 2023-24 में कॉटन का उत्पादन 323,11,000 गांठ है, जो पिछले साल से कम है। पिछले साल 2022-23 के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कॉटन का उत्पादन 343,47,000 गांठ था। कॉटन के उत्पादन में कमी का अनुमान आने के बाद दाम में थोड़ा सुधार दिखाई दिया है। ऐसे में किसानों को उम्मीद जगी है कि भाव जल्द 10,000 रुपये के स्तरों को पार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।